हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनिमल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएबी क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर 1, आई स्पीक आई से आई टॉक, जो कि एक पोएम है रिटन बाय अर्नल्ड एल सैपिरो। इस पोएम में हम जानेंगे द नेम ऑफ द साउंड्स मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। तो बच्चों, अभी आपने सुना आपके बहुत ही परिचित एनिमल्स के साउंड। यू नो, काउस मू करते हैं, कैट्स के साउंड को पूर कहते हैं, लायंस रोर और डव्स कू करते हैं। जबकि हमारे ह्यूमन बींग्स के 3 रेस्पॉन्सेज हैं, सो आई स्पीक आई से और आई टॉक। तो चलो बच्चों, पोएम को रीड करते हैं। से विथ मी, ओके? So come to the poem, I speak, I say, I talk. Cats purr, lions roar, owls hoot, bears snort, crickets creak, mice squeak, sheep bay, but I speak. Monkeys chatter, cows moo, ducks quack, doves coo, pigs squeal, horses neigh, chickens cluck, but I say. Flies hum, dogs growl, bats screech, coyotes howl, frogs croak, parrots squawk, bees buzz, but I talk. तो चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं मीनिंग के साथ। I speak, I say, I talk. Cats purr, lions roar, owls hoot, bears snore, crickets creak, mice squeak, sheep bay, but I speak. बिल्ली पूर करती हैं, शेर दहाड़ते हैं यानी रोर करते हैं, उल्लू हूट करते हैं और भालू की आवाज़ को स्नोर कहते हैं, झिंगूर क्रिक करते हैं, चूहे जो आवाज़ करते हैं उसे स्क्वीक कहते हैं, भेड़ बे करते हैं और मैं स्पीक करता हूँ। मंकीज चैटर, काउज मू, डक्स क्वैक, डव्स कू, पिग्स स्क्विल, हॉर्सेस नी, चिकन्स क्लक, बट आई से। अच्छा, बंदर चैटर करते हैं, गाय की आवाज़ को मू कहते हैं, बतख की आवाज़ को क्वैक कहते हैं और कबूतर कू करते हैं, पिग्स स्क्विल करते हैं, हॉर्स की आवाज़ को नी कहते हैं, चूजा यानी मुर्गी के बच्चे क्लक करते हैं, बट आई से। फ्लाइज हम, डॉग्स ग्राउल, बैट्स स्क्रीच, कॉयट्स हाउल, फ्रॉग्स क्रॉक, पैरट्स स्क्वैक, बीज बज, बट आई टॉक। मक्खी जो आवाज़ निकालती है उसे हम कहते हैं, डॉग जो आवाज़ निकालता है उसे ग्राउल कहते हैं, चमगादड़ स्क्रीच करते हैं और भेड़िया हाउल करता है, मेंढक क्रॉक करता है, तोता स्क्वैक करता है, मधुमक्खी बस करती हैं और मैं टॉक करता हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। वर्क इन पेयर्स, रीअरेंज द जंबल लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू फाइंड एनिमल नेम्स। तो यहाँ पे 5 जंबल्ड वर्ड्स हैं, देखते हैं क्या होंगे उनके आंसर। आंसर नंबर 1 क्वाइट्स, आंसर नंबर 2 मंकी, नंबर 3 एलिफेंट, नंबर 4 हॉर्सेस, नंबर 5 क्रोकोडाइल, नंबर 3 मैच ईच बेबी एनिमल विथ इट्स पेरेंट। काफ, काव का बच्चा होता है इसीलिए नंबर 1 विल बी मैच विथ डी। जॉय कंगारू का बच्चा है इसलिए नंबर 2 एफ के साथ मैच होगा। कब, टाइगर का बच्चा है इसीलिए नंबर 3 नंबर ई के साथ मैच होगा। किटन कैट का बच्चा है इसीलिए नंबर 4 जी से मैच होगा। पप्पी डॉग का बच्चा है इसीलिए नंबर 5
ए के साथ मैच होगा। डकलिंग डक का बच्चा है, सो नंबर सिक्स विल बी मैच विथ सी। नंबर सेवन किड गोट का बच्चा है, इसीलिए सेवन नंबर बी से मैच होगा। और नंबर एट जो आप लोग का लास्ट है वो है फोल, वो किसका बच्चा है, हॉर्स का बच्चा है, इसीलिए नंबर एट एज के साथ मैच होगा। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।